ये आकाशवाणी है। आरजू ही आरजू। आज प्रस्तुत है प्रख्यात लेखक रेवती शरण शर्मा का लिखा ये नाटक। निर्देशक हैं दीनानाथ। तो आइए सुनते हैं ये नाटक आरजू ही आरजू। आज आप इस नाटक की पहली कड़ी सुन रहे हैं। धर्मराज, भगवान, हमने तुम्हारा लेखा देखा। अपने कर्मों के लिहाज से जितने आदमियों को स्वर्ग आना चाहिए था, स्वर्ग में उनसे एक आदमी कम आया है। क्षमा करें भगवान, बहुत भारी भूल हो गई। न जाने कैसे एक आदमी कम आया है। लेकिन वो आदमी गया कहाँ? मर्त्यलोक से तो आया था भगवान, शायद गलती से नरक में। धर्मराज, क्षमा भगवान, क्षमा। नहीं, ये क्षमा की बात नहीं। इतने त्याग, तपस्या और धर्म कर्म से इंसान स्वर्ग का अधिकारी हो और हमारी भूल से नरक में जा पड़े, ये नहीं होगा। उसे स्वर्ग में लाना होगा। मैंने बहुत कोशिश की भगवान, बहुत खोज की, पर उस आदमी का पता नहीं चला। चलाना होगा धर्मराज। इंसान अपने हक से महरूम नहीं होगा, स्वर्ग में उसकी जगह भरनी होगी। पर कैसे भरूं भगवान, असली हकदार नहीं मिलता। तो फिर उसके बदले किसी दूसरे को लाओ। दूसरे को? हाँ, हम इंसान का हक नहीं मारेंगे। मगर दूसरे को भी कहां से लाऊं भगवान? नरक से लाओ, वहीं तो भेजा है तुमने असली हकदार को। ये तो ठीक है भगवान, मगर वहां से किसे लाऊं? सब एक जैसे पापी हैं। एक को लाऊंगा दूसरे एतराज करेंगे। वहां से या तो सबको लाना होगा वरना एक को नहीं। ये सब कुछ हम नहीं जानना चाहते धर्मराज। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि एक आदमी स्वर्ग में आए, कहीं से आए। फिर एक निवेदन है। क्या? मैं मर्त्यलोक से एक आदमी ले आता हूँ। मर्त्यलोक से? लेकिन जिसका वक्त आ चुका है वो तो खुद ही स्वर्ग या नरक का भागीदार बन गया। हमें तो एक फालतू आदमी चाहिए। मैं ऐसा आदमी लाऊंगा भगवान जिसका वक्त ना आया हो। लेकिन वक्त से पहले लाना अन्याय होगा। नहीं भगवान, दुखों की इस धरती पर लाखों इंसान हैं जो जिंदगी से विरक्त या बेजार होकर वक्त से पहले आपके चरणों में आना चाहते हैं। तो फिर जाओ और उनमें से एक को ले आओ। लेकिन याद रहे, तुम किसी आदमी को उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं लाओगे। आप चिंता न करें भगवान, धरती पर तो अनगिनत इंसान आपसे लौ लगाए मुक्ति की घड़ी के इंतजार में व्याकुल बेकल पड़े हैं। वहां तो मुश्किल ये होगी कि किसे लाऊं, किन्हें छोड़ाऊं। तो फौरन जाओ और एक इंसान को लाकर स्वर्ग की जगह पूरी करो। जो आज्ञा भगवान, यमराज को अपने साथ ले जा सकता हूं? जरूर जरूर। तो विदा भगवान। हम मर्त्यलोक में आ गए महाराज। हाँ यमराज, बहुत भारी भूल हो गई। पर इस मर्त्यलोक में ऐसे प्राणियों की कमी नहीं जिनके सहारे मैं अपनी भूल सुधार कर भगवान को मुंह दिखा सकूं। फिर कहाँ चलना होगा महाराज? किसी ऐसे प्राणी के पास जो इस दुनिया के मोह लोभ को तपस्या की अग्नि में भस्म कर चुका हो, जिसके अंदर विरक्त की ज्योत कपूर की डली की तरह जल रही हो। तो फिर महाराज उस ब्रह्मचारी की तरफ चलिए जो सामने के मंदिर के आंगन में समाधि लगाए बैठा है, जिसके मस्तक पर तेज है, अंगों पर चंदन है और होठों पर पूर्ण शांति की मुस्कान। तुम्हारा चुनाव बहुत मुनासिब है यमराज। वो बाहर से जितना सुंदर है अंदर से उतना ही तेजवान है। स्वर्ग का उससे ज्यादा अधिकारी और कौन हो सकता है। तो फिर चलें। हाँ चलिए। महाराज ठहरिए, इसके सामने कोई औरत सिर निभा रही है। कोई बात नहीं यमराज, ब्रह्मचारी अब पुरुष नहीं है, भक्त का स्वरूप है, उसे अब औरत से कोई सरोकार नहीं।
आप यहीं ठहरिए, मैं अंदर जाता हूँ। हाँ हाँ जाइए। वो भी उठ खड़ी हुई और वापस आ रही है। ब्रह्मचारी। महाराज। हमें पहचाना? नहीं महाराज। हम धर्मराज हैं। धर्मराज? तो महाराज यहां विराजिए, यहां। नहीं ब्रह्मचारी, ये आसन तुम्हारा है, तुम इसके पूरी तरह अधिकारी हो, हम यहां बैठेंगे। नहीं नहीं महाराज, आप धरती पर नीचे नहीं बैठ सकते। ये मंदिर का आंगन है ब्रह्मचारी, यहां कोई जगह अपवित्र या नीची नहीं है। इसमें तो मैं भी शंका नहीं करता महाराज। तो बैठो, हमें तुमसे कुछ बातें करनी है। मैं उपस्थित हूं महाराज। ब्रह्मचारी, तुमने पूजा पाठ किया है? हाँ महाराज। तुमने उपासना, आराधना और उपवास किए हैं? हाँ महाराज। तुमने परमात्मा से लौ लगाई है और परलोक को संवारने की कामना की है? हाँ महाराज। तो भगवान ने तुम्हें इसका फल दिया है, तुम स्वर्ग के भागीदार बन गए हो। महाराज। हाँ ब्रह्मचारी, हम तुम्हें स्वर्ग ले जाने के लिए आए हैं। क्या? हमारे साथ चलो, स्वर्ग का द्वार तुम्हारे लिए खुला है। मेरे लिए स्वर्ग का द्वार खुला है? हाँ, यमराज बाहर खड़े हैं। तो मेरा समय आ गया, वक्त पूरा हो गया? नहीं ब्रह्मचारी, समय नहीं आया, वक्त पूरा नहीं हुआ है। फिर? ब्रह्मचारी, एक आदमी जिसे स्वर्ग जाना था नहीं जा सका, उसका पता नहीं लगता, इसलिए भगवान ने हमें अधिकार दिया है कि स्वर्ग की ये जगह हम किसी प्राणी को दे सकते हैं। यानी भगवान ने मुझे लाने के लिए नहीं भेजा? नहीं ब्रह्मचारी, ये तो हमारा चुनाव है, तुमसे ज्यादा स्वर्ग का अधिकारी हमें इस धरती पर नजर नहीं आया, इसलिए हम। फिर मुझे क्षमा करना होगा महाराज। तुम स्वर्ग नहीं जाओगे? मुझे खेद है। यानी तुम स्वर्ग जाना ही नहीं चाहोगे? चाहूंगा महाराज। फिर? मगर कुछ समय बाद। पर ब्रह्मचारी, समय दुख है, समय विनाश की क्रिया है, समय आत्मा और परमात्मा के बीच का अंतर है। पर समय जीवन भी है महाराज। पर तुम त्यागी ब्रह्मचारी जीवन का क्या करोगे? तुमको जीवन को तपस्या की आग में हवन की सामग्री की तरह जलाकर परमात्मा की ओर जाना है। परमात्मा की ओर? हाँ, परमात्मा और मुक्ति की ओर। नहीं महाराज, ये धोखा है। क्या? कि आदमी त्याग और तपस्या करके भगवान और मुक्ति की ओर जाता है। तो फिर? वो तो जीवन ही की ओर जाता है महाराज। ब्रह्मचारी। हाँ महाराज, अगर मुझे परमात्मा की ओर जाना होता या मुक्ति पाना होती तो मैं मौत की ओर क्यों न भागता? मैं त्याग और तपस्या में बरसों लगाने के बजाय आत्महत्या करके सीधा परमात्मा से क्यों न जा मिलता? पर तब ये पाप होता। क्या पाप होता? शरीर की हत्या करना, अपने को समय से पहले समाप्त करना। हाँ, तो त्याग और तपस्या क्या है? ये पाप नहीं है? त्याग और तपस्या? हाँ, इसमें भी तो आदमी अपने को भूखा प्यासा मारता है, अपने मन को आस और आनंद से अलग रखता है, अपनी इंद्रियों को सुर, स्वाद, सुगंध, स्पर्श और दर्शन से दूर रखता है। तुम क्या दर्शाना चाहते हो ब्रह्मचारी? सिर्फ ये कि त्यागी त्याग और तपस्या परमात्मा की ओर नहीं, जीवन की ओर जाने के लिए करता है। ये बात तुम कहते हो, जिसने खुद तपस्या और त्याग किया है? हाँ महाराज, और आज से पहले मैं भी ये बात न कह सकता था, पर आज जब आपने मुझे मृत्यु और जीवन, धरती और स्वर्ग के बीचों बीच खड़ा करके मुझसे पूछा कि मुझे किधर जाना है, तो मैंने पाया मैं तो सारे समय जीवन की ओर ही मुंह किए खड़ा था। फिर तुम्हारा त्याग, तपस्या, उपवास, आराधना, ये सब क्या थे? दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करने के प्रयत्न, अपने में और गुण न पाकर शरीर को दुख देने के ही गुण पैदा कर दुनिया से मान मर्यादा हासिल करने के छल पूर्ण यत्न। ब्रह्मचारी। हाँ महाराज, आपको ऐसा कर्तव्य दिखाने वाला कोई नहीं मिलेगा जो सांस रोकने और अंगारों पर चलने के कर्तव्य मरने के लिए करता हो। तुम क्या कहना चाह रहे हो ब्रह्मचारी? यही कि कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसे जीवन नहीं चाहिए, जो जीवन से भागने का नाटक रचता है वो सिर्फ ये चाहता है कि जीवन दौड़कर उसे पकड़ ले, जो जीवन से विरक्त बनता है वो सिर्फ ये चाहता है कि जीवन अपने सारे भोग स्वयं उसके चरणों में लाकर रख दे।
यानी इंसान को जीवन के सिवा कुछ नहीं चाहिए। हाँ महाराज, स्वर्ग भी नहीं चाहिए। स्वर्ग? आप स्वर्ग को कोई ऊपर की अलग की चीज समझते हैं महाराज? क्या स्वर्ग जीवन ही की वो चाह नहीं है जो मौत की हदों को लांघकर उन आकाशों तक जा पहुंची है जिनका कोई अस्तित्व नहीं, उन युगों तक चलती चली गई है जो समय के पास भी नहीं है? ब्रह्मचारी, तुम स्वर्ग को इंसान के लोभ और मोह की पैदावार बताते हो? हाँ महाराज, स्वर्ग तो इस जगमग करते जीवन की वो परछाई है जिसे इंसान समय की सीमाओं से परे कल्पना के आकाशों की अनंत गहराइयों में देखना चाहता है। नहीं नहीं, यह गलत है। मौत को देखकर तुम्हें जिंदगी से मोह हो गया है। हाँ महाराज, और क्यों ना हो? आपने उस औरत को देखा? औरत को? हाँ, जो मेरे पास से उठकर गई। हाँ, उसके उज्ज्वल अछूते अपार रूप को एक बार आंखों के सामने लाकर सचमुच कहो, क्या स्वर्ग में इससे भी सुंदर कुछ होता है? तुम रूप की बात करते हो, रूप ढल जाता है। वो गाती है, मैं तुमको उसका संगीत सुनवाऊंगा, तुम उसे सुनकर सच सच बताना क्या स्वर्ग में उससे भी सुरीला कोई सुर होता है? सुर समय के साथ गूंजता चला जाता है, फिर नहीं आता। वो अपने जूड़े में जूही की कलियां लगाती है, तुम उन्हें सुनकर सच सच बताना क्या स्वर्ग में उससे भी मधुर कोई महक होती है? महक गंध में बदल जाती है। उसके हाथ कमल की पंखुड़ियों की तरह कच्चे कच्चे हैं। तुम मेरी जगह बैठ जाना, जब वो चरणों को छूने के लिए झुके तो उसके हाथ छू कर देखना और सच सच बताना क्या स्वर्ग में इससे सुकोमल भी कुछ होता है? स्पर्श वासना जगाता है ब्रह्मचारी, और वासना ग्लानि पैदा करती है। वो हर पूर्णिमा को 17 प्रकार के पकवान बनाकर लाती है, तुम उन्हें चखना और चक्कर सच सच बताना क्या स्वर्ग में इनके स्वाद से बढ़कर कोई स्वाद होता है? मगर ब्रह्मचारी, ये सब कुछ मिटने वाला है, मिट्टी है। मैं भी तो मिट्टी हूं महाराज। ब्रह्मचारी, मुझे दिखता है तुम स्वर्ग नहीं जाओगे। जाऊंगा जाऊंगा महाराज, मगर अभी नहीं। मैंने अब तक उस स्वर्ग के चक्कर में पड़कर इस स्वर्ग का कुछ नहीं देखा। जरा इस शरीर को छू के देख लू जिसे प्रकृति ने रूप के प्रभामंडल से सुशोभित किया है, उस संगीत को सुन लू जिसे मन की धड़कन और कंठ के लोच ने जन्म दिया है, उस रेशम को पहन लू जिसे कोहे और करघे ने सपनों की तरह झीना झीना बुना है, उस सुगंध और स्वाद से अपने को आत्मविभोर कर लू जिसे प्रकृति ने रस से और आदमी ने नमक से रचा है। महाराज महाराज, चले गए चले गए। चले आए महाराज अकेले? हाँ यमराज, चलो यहां से। मगर क्यों महाराज, वो योगी? उसके अंदर भोगी बैठा है, कहीं और चलो। कहाँ चलूं महाराज? किसी ऐसे के पास जिसका मन भोग के पापों से भर चुका हो। अभी लीजिए महाराज, एक ऐसे के पास लिए चलता हूं जिसने कोई पाप करने से नहीं छोड़ा, जिसे अब पाप करने का अरमान नहीं। बस बस, उसी के पास चलो, वही ठीक रहेगा। जोहरा। सरदार। रक्कासा कहाँ है? हाजिर है सरदार, बंदी मुजरा अर्ज करती है। ठीक ठीक, कुछ पेश करो। क्या सरदार? कोई चीज फड़कती हुई। पेश है।
आ गए। बंद करो, उन्हें हाजिर करो। सरदार का सितारा सर बुलंद रहे। आ गए। हाँ सरदार, हमला कामयाब रहा। हमारे सब साथी सही सलामत लौट आए सरदार। क्या हाथ लगा? नकद 50,000 सरदार। देवरात बेशुमार। ओह, और वो मूजी सेठ। कभी का जहन्नुम रसीद हुआ सरदार। और हमारे राग रंग नाच गाने के लिए? ये भी पूछने की बात है सरदार। देखिएगा तो फड़क उठिएगा सरदार। जोरा सरदार, हम कुछ चाहते हैं, बहुत तल्ख बहुत तुर्ष। अरे ये कौन? तुम कौन हो? धर्मराज। धर्मराज? कौन धर्मराज? तुम्हें यहाँ कौन लाया? मैं भगवान के पास से आ रहा हूँ। भगवान के पास से? हाँ। फिर तुम गलत जगह आ गए हो महाराज। अपनी खैर मनाओ और किसी मंदिर वंदिर में चले जाओ। लेकिन मैं तो तुम्हारे सरदार के पास ही आया। मेरे पास? बुरे दिन आए हैं क्या? क्या देने आए हो? ये सरदार दौलत से लेकर जान तक सब कुछ ले लेता है। बोलो क्या दोगे? मेरे पास कुछ नहीं है सरदार, मैं तो दरअसल तुम्हें लेने आया। मुझे लेने आए हो? कहाँ ले जाना चाहते हो मुझे? किसकी शामत आई है? शामत नहीं, बात दरअसल यह है कि स्वर्ग में एक आदमी की जगह खाली है। फिर? तुम चले चलो। मुझे स्वर्ग ले जाना चाहते हो मुझे? महाराज, स्वर्ग की कुछ चूलें ढीली करानी है क्या? जहां मैं जाता हूं कत्ल, डाका और अगवा की वारदातें आगे आगे जाती हैं। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि भगवान ने खुश होकर मुझसे खुश होकर। धनराज, तुमने तो भांग पी रखी है, पर क्या भगवान जी ने भी? ऐसे ना कहो, उनके लिए ऐसे मत कहो। तो किसके लिए कहूं? अगर भगवान मुझसे खुश होने लगे तो समझो इस लोक की क्या सातों लोकों की खैर नहीं। ये बात नहीं है, बात दरअसल ये महाराज ये बात दरअसल ये है कि कोई बात है या आपका तकिया कलाम है? क्या क्या कहा? महाराज, आप या तो कुछ सठिया गए हैं या फिर बहुत थक गए हैं। पास ही एक मंदिर है, वहां नहा धोकर और खा पी कर देख लें, चित्त ठिकाने आ जाए तो आ जाइएगा। इतने मैं भी कुछ पी लूं। नहीं, बात दरअसल मेरा मतलब है कि बात। महाराज, सरदार को बोर करना बंद करती हो, निकालूं पेटी से। ना। अरे ये धर्मराज हैं, हमारा तुम्हारा सबका हिसाब किताब यही रखते हैं बदले। इन्हें कुछ हो गया तो भगवान जी को बड़ी तकलीफ होगी, इसलिए इसे पेटी में ही रहने दो। हाँ तो महाराज, बात दरअसल क्या है? बात ये है सरदार, फिर वही बात, इस बात का क्या करूं मैं? हाँ, सरदार? तुम सरदार तो हो नहीं महाराज जी के इस बात को गोली मार दोगे, इसलिए भुगतनी ही पड़ेगी। तो बोलो क्या बात है? बात यह है कि स्वर्ग में एक आदमी को जाना था, वो नहीं मिलता, इसलिए भगवान ने कहा इसके बदले दूसरा आदमी धरती से लाओ। और आप मुझे लेने चले आए? हाँ। बहुत खूब किया आपने। लेकिन महाराज, वे जो त्यागी तपस्वी बरसों से बदन पर भभूत लगाए धूनी रमाए ढोंगी है सरदार, उनके अंदर एक भूखा भोगी बैठा है जो उन्हें यहां से हिलने नहीं देता। लेकिन सरदार, जितने पाप हैं जितने भोग हैं तुमने तो सब कर लिए हैं, तुम्हारे अंदर तो उनकी लालसा नहीं। ये तो सही है महाराज, खून से लेकर शराब तक और दौलत से लेकर औरत तक जिस चीज की प्यास थी वो ऐसे बुझाई है कि मेरी तो मेरी धरती की भी प्यास बुझ गई है। तो बस इसलिए तुम चलो, बिना कुछ किए सीधा स्वर्ग मिलेगा। बिना कुछ किए? हाँ बिना कुछ किए। फिर सरदार नहीं जा सकता महाराज। क्यों? क्योंकि मैंने कुत्ते की खसरत नहीं पाई, सरदार फेंकी हुई हड्डी पर नहीं गिरता। तुम क्या कह रहे हो? जो मेरी फितरत का सच है महाराज, मैंने गिरी हुई चीज की तरफ नजर भी नहीं उठाई, जिस चीज की जरूरत हुई है शेर की तरह झपट कर छीन कर हासिल किए। पर स्वर्ग तुम इस तरह नहीं ले सकते सरदार, तुम्हारे कर्म भी ऐसे नहीं कि अपने आप स्वर्ग हासिल कर सको। तो फिर मैं हासिल करना भी नहीं चाहूंगा सरदार। हाँ महाराज, स्वर्ग भी हासिल करूंगा तो अपने आप, अपनी ताकत से,
जिस तरह इस दुनिया से मैंने जर जमीन और जन हासिल किए। लेकिन स्वर्ग हासिल करने के लिए जब तप करना होगा। कर लूंगा। उसके लिए अपना सब कुछ त्याग कर दूसरों को देना होगा। दे दूंगा। उसके लिए सांस के तार तक का मोह छोड़ना होगा। छोड़ दूंगा। ये बहुत मुश्किल रास्ता है सर। मुझे हमेशा मुश्किल रास्ता ही पसंद रहा है। लेकिन तकलीफ उठाने का क्या फायदा सरदार? तकलीफ उठाकर जो स्वर्ग मिलेगा वो अभी वैसे ही मिल रहा है। लेकिन स्वर्ग ही तो मिल रहा है। तो तुम और क्या हासिल करना चाहते हो? जो स्वर्ग हासिल करने की कोशिश में मिलता है। क्या? तप का तेज, धर्म की शांति, दया की नरमी और त्याग का बड़प्पन। सरदार। हाँ महाराज, सड़क पर पड़ा फल उठाने से फल तो मिल जाता है, पर उस पेड़ की छाया, उस फूल की खुशबू, उस भंवरे का गीत तो नहीं मिलता जिन्होंने मिलकर फल को जन्म दिया। सरदार। हाँ महाराज, मैं स्वर्ग के लिए तप करूंगा तो लोगों के चेहरे मुझे देखकर डर से काले पड़ने के बजाय श्रद्धा से दमक उठेंगे। मैं धर्म पर चलूंगा तो लोगों को शांति मिलेगी। मैं दया करूंगा तो उनके जख्म भरेंगे। मैं त्याग करूंगा तो उनके दुख दूर होंगे। एक स्वर्ग मुझे मिलेगा तो एक स्वर्ग उन्हें मिल जाएगा। तो फिर तुम डाकू नहीं हो सरदार? ये मैं नहीं जानता महाराज, मगर मैंने अपने अंदर किसी एक और को भी पाया है। जब भी मैंने डाका मारा है उसने मुझे टोका है, जब भी मैंने कत्ल किया है उसने मुझे रोका है, जब भी मैंने किसी का आंचल उतारा है उसने मुझे लानत दी। मैं चाहता हूं जब यहां से जाऊं, नरक जाऊं या स्वर्ग जाऊं, तो जाने से पहले कुछ दिन उसकी भी सुन लूं, जो वो कहता है वो भी कर लूं, ताकि वो ये ना कहे कि मैंने उसकी आरज़ू पूरी नहीं की। तो अभी तुम भी स्वर्ग नहीं जाना चाहोगे? हाँ महाराज, कुछ आंखों के आंसू पोंछ लूं, कुछ सहमे हुए होठों की कली खिला लूं, कुछ गिरी हुई ड्योढ़ियों को बनवा दूं और कुछ उजड़ी हुई मांगों के जीने का बंदोबस्त कर दूं, फिर मैं चला चलूंगा। जहां ले जाओगे, जब ले जाओगे। महाराज, महाराज। वो तो कभी के चले गए सरदार। क्या हुआ महाराज, ये भी नहीं आया? हाँ यमराज, ये नेकी करना चाहता है। डाकू होकर? हाँ, ये कुछ अजीब सी धरती है। यहाँ पुण्य में पाप और पाप में पुण्य पलता नजर आता है। फिर महाराज? अब कहीं भी ले चलो यमराज, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। तो महाराज उस सेठ के पास चलते हैं जिसे न पाप से मतलब है न पुण्य से, जिसे सिर्फ पैसा चाहिए। तो उसी के पास चलो। सेठानी, छोटी सेठानी। क्या? मुझे जाने दो। चली जाना सेठानी, पर एक घड़ी के लिए, एक पल के लिए। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे पास एक पल भी नहीं ठहरूंगी। एक पल भी नहीं ठहरूंगी? मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? नहीं, मैं इतना बुरा हूँ? हाँ, तुम बुरे हो, बदशकल हो, बूढ़े हो, मुझे तुमसे बू आती। छोटी सेठानी, ऐसे न कहो, मेरा मन ऐसे न तोड़ो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए, मैं जाती हूँ। मैं एक माणिक मोती की माला भी लाया था। माला कहाँ है? ये रही, ला मुझे दो। नहीं, ऐसी नहीं, एक बार गले में पहना लेने दो। क्या? अच्छा, पहना दो। पर देखो, बस पहन कर चली जाऊंगी। नहीं, बस दो घड़ी मेरे सामने बैठ जाना। नहीं, अच्छा एक घड़ी बैठूंगी, पहनाना है तो पहनाओ, नहीं मैं जाती। ना ना, ना ना, जाओ मत, जितनी देर बैठ सको उतनी ही देर बैठ जाना। फूल नहीं तो पंखुड़ी से ही मन बहला दूंगा। पहना चुके कि नहीं? पहना चुका। तो देखो ये, मैं सामने बैठी हूँ, मुझे देख लो, फिर मैं जाती हूँ। तुम नहीं देखोगी? किसे? किसी को नहीं। देख लिया, बस तो मैं जाती हूँ। चली गई, चली गई। सेठ। कौन? आप? हम धर्मराज हैं। ओह धर्मराज, हमारे लेखे जोखे के मालिक। आओ 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 महाराज, आओ यहाँ बैठो, यहाँ पर। नहीं सेठ, ये चौकी ठीक रहेगी। तो इसी चौकी पर बैठो महाराज, ये भगवान जी की चौकी है, मैं इस पर भगवान जी को विराजमान करा के रोज सुबह उनकी पूजा करता हूँ। हमें मालूम है। आपको ये भी मालूम है कि मैंने पिछले असौज में एक महायज्ञ करवाया था,
10,000 खर्च किए थे, 1,000 ब्राह्मणों को टीके तिलक से भोजन करवाया था महाराज। ये भी हमारे यहाँ लिखा हुआ है। महाराज जी, मैं तो भगवान के हर नियम का पालन करता हूँ। मैंने धर्मशालाएं बनवाई हैं, पाठशालाएं खुलवाई हैं, ब्याहू लगाई है, और तो और मैंने एक विधवा आश्रम भी स्थापित करवाया है। तुमने बहुत बहुत धर्म का काम किया है सेठ। तुम्हारे 4-4 सेठानियां हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ इंतजाम तो तुम्हें करना ही था जी। क्या कहो? कुछ नहीं सेठ, हम तुम्हारे दया धर्म दान पुण्य का चर्चा कर रहे थे, लेकिन देखो आज हम एक विशेष उद्देश्य से आए हैं। फरमाओ महाराज। आरजू ही आरजू। अभी आप प्रख्यात लेखक रेवती शरण शर्मा के लिखे इस नाटक की पहली कड़ी सुन रहे थे। निर्देशक थे दीनानाथ। केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। इस नाटक की रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी के ध्वनि अभिलेखागार से प्राप्त हुई। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी।